नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी उसमें हमने प्रमुख सूचकांक जो थे 2018 में जो रिलीज हुए थे प्रमुख सूचकांक, उनमें भारत की क्या पोजीशन थी, कौन उसको जारी करता है, सबसे लास्ट रैंक उसमें किसकी थी, इन सब के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। तो वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इन वीडियो को सबको लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देख लें। अगर वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं या अपना खुद का नोट बना के, नोट्स राइट डाउन करके 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो चीज़ें यहाँ पे सारी क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। इन सब के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, इन सब की PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, पता ही होगा आपको, बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु। तो ये CRPF की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे देखते हैं मास्टर कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अभिनेता इरफान खान, पहले भारतीय हैं जिनको मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पता ही होगा आपको मास्टर कार्ड हर व्यक्ति के जेब में ये होता है, ठीक है, तो इनका भी आपको याद रखना है दोनों का। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन साहब, इनको स्वच्छ भारत मिशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आउट के आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सीधा पूछ लेगा कि भाई असम राज्य के लिए पर्यटन के लिए किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो इन सबको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, इतने में ही आप क्लिक कर पाएंगे। ओके, देखते हैं यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं प्रियंका चोपड़ा, और असम राज्य पर्यटन की भी हैं प्रियंका चोपड़ा, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं स्किल इंडिया अभियान के तहत भी प्रियंका चोपड़ा को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, तो इन तीन को आप याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा से, पहला असम राज्य पर्यटन, दूसरा है यूनिसेफ और तीसरा है स्किल इंडिया अभियान। ओके, अगला देखिए माँ अभियान, इसका ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। हेपेटाइटिस बी, इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। ओके, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। ओके, याद रखिएगा इनको, अतुल्य भारत अभियान। और निर्मल भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है विद्या बालन अभिनेत्री। ओके, तो ये आगे देखते हैं इसमें और कौन है, इसी के आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो माधुरी दीक्षित हैं। इससे पहले एक और हमने डिस्कस किया था माधुरी दीक्षित को। ओके, तो उनको भी याद रखें और इसको भी याद रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ओके, आगे देखते हैं दरवाजा बंद अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन एवं अनुष्का शर्मा। ओके, याद रखना है। डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, और GST के भी अमिताभ बच्चन साहब हैं, इन दोनों को आप याद रखिएगा, डीडी किसान चैनल और GST। ओके, आगे देखते हैं मेक इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये तो बहुत सालों से सुर्खियों में चल रहा है, अभी भी सुर्खियों में है, ठीक है। तो पीरूज खमतता इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, याद रखिएगा इनको, मेक इन इंडिया के। आगे देखते हैं भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है, दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत, याद रखिएगा इनका नाम दिया मिर्जा का, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल एम्बेसडर जो बनाया गया है वो है साइमा बाजिद हुसैन को बनाया गया है, WHO का गुडविल एम्बेसडर। ओके, पंजाब नेशनल बैंक विराट कोहली को पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इससे पहले हमने एक और आपको बताया था, याद रखिएगा दोनों। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास में MC मैरीकॉम मुक्केबाज हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मुक्केबाज भारत की। ओके, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, इसका भी दिया मिर्जा को बनाया गया है, और ये सद्भावना दूत भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भारत के लिए सद्भावना दूत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के लिए, उसमें दिया मिर्जा हैं, और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी दिया मिर्जा हैं, दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए।
पल्स पोलियो अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब को बनाया गया है, बहुत दिनों से हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। आगे देखते हैं असम राज्य, हिमा दास, ओके, हिमा दास को असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, धावक हैं ये, ओके। आगे देखते हैं ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स इंडिया का एमसी मैरी कॉम, ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। मुक्केबाज, जैसा कि अभी बताया था इनको, एक और मैंने अभी आपको बताया था उसमें भी इन्हें याद रखना है एमसी मैरी कॉम को, यहाँ ट्राइब्स इंडिया में भी ये ब्रांड एम्बेसडर है, ओके। अरुणाचल प्रदेश का जॉन अब्राहिम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सिक्किम राज्य का है एआर रहमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ओके। तो ये याद रखिएगा, आप ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक दो बार देख लेंगे फिर से वही बात बता रहा हूँ, तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कौशल भारत अभियान, देखिए कौशल भारत अभियान वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को बनाया गया है कौशल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव को बनाया गया है हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, ओके। तेलंगाना राज्य का सानिया मिर्जा और महेश बाबू संयुक्त रूप से इनको तेलंगाना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ओके। और देख लेते हैं सड़क सुरक्षा अभियान, अक्षय कुमार इनको यहाँ पे सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाड़िया को बनाया गया है और फ्लिपकार्ट रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर इनको फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेक माई ट्रिप आलिया भट्ट और रणवीर सिंह, ओके। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एम्बेसडर हैं जिनको नियुक्त किया गया है वो सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो सारा मैंने एक जगह यहाँ पे कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।